हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टी वन एंड्रॉइड। जैसा कि आपने थंबनेल और नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 32 आर्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि क्या पागल पंथी है, मतलब क्या करेगा एक वीडियो में 32 आर्क के बारे में बताएगा, पर ये मजाक नहीं, मैं आपको 32 आर्क के बारे में ही बताने वाला हूँ। मैं एक ऐसा ऐप आपके लिए आज खोज के लाया हूँ जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी सारे ऐप आप स्टोर कर सकते हैं फोन में, वो बात अच्छी है, पर आप क्या आप ढेर सारे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ऐप स्टोर अगर आपको एक ही चीज़ करनी है तो ठीक है, चलिए आपने एक एक स्पेसिफिक स्टोर कर लिया आप ऐप में, पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपके 32 ऐप से काम सिर्फ एक ऐप करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपकी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकेंगे उसकी जगह पे, और काफ़ी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकेंगे क्योंकि आपको सिर्फ एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। सो मैं आज आपके लिए एक ऐसा ऐप लाया हूँ जो कि 32 ऐप के काम करेगा, जैसे कि स्कैनर। काफ़ी सारे फ़ोन में स्कैनर्स नहीं होते हैं, यूजुअली MI और लिनोवो के अलावा किसी में नहीं होता है, एप्पल वगैरह की बात अलग भाई। और स्पीडोमीटर्स एंड योर पल्स रेट, इम्पल्स एंड योर फिटनेस वर्क, ऐसे सारे चीज़ें, कैलकुलेटर, करेंसी कन्वर्टर एंड मच मोर, आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए आसानी से इस ऐप को। सो बिना वेस्ट टाइम वेस्ट करें, आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि फैज़ान ने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि हम आज बात करने वाले हैं 32 ऐप्स के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, ये कोई गलत बात, ये झूठ बात नहीं है, हम आपको 32 ऐप्स के बारे में ही बताने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना होगा। प्ले स्टोर पर आके आपको यहाँ पर स्मार्ट किट ऐप को, स्मार्ट किट 360 को सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये ऐप मिल जाएगा जिसकी रेटिंग 4.6 है और 1 मिलियन डाउनलोड्स है। इसे आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुए हैं। ये ऐप देखिए फरवरी में ही आया हुआ है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा डाउनलोड नहीं ना, तो आप जाइए देखिए कि ये ऐप क्या करता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाती है। अब ये स्क्रीन देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं गिनता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ये ऐप 32 ऐप्स को कंप्रेस कर दीजिए, वो सारे ऐप के फीचर्स को कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेस करने के बाद इस एक ऐप में सारे ऐप के फीचर्स, सारे ऐप को दे दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा ऐप है, जैसे कि आप नोट पैड, आपके मोबाइल में हर जगह होता है नोट होता है, कहीं नोट पैड होता है, देखिए कहीं छोटा सा बना होता है तो उसके अलग ऐप इंस्टॉल होते हैं। फिर आप ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना हो, ट्रांसलेटर को भी आप अलग से इंस्टॉल करते हैं, और उसका डिक्शनरी भी आप अलग से डाउनलोड करते हैं। एक्सरसाइज के लिए मान लीजिए अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से, फाइल मैनेजर कंपनी आपको अलग से देती है। कटर, ये कटर MP3 कटर है, MP3 कटर जैसे कि आप किसी भी गाने को या तो किसी भी म्यूज़िक को आप रिंग टोन लगाना चाहते हैं तो रिंग टोन के लिए आप MP3 कटर ढूंढते हैं, तो MP3 कटर के लिए ये कटर बेस्ट है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें सारे फीचर्स दिए हुए हैं। मेट्रोनो मुझे नहीं पता है क्या है, ये रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर वो है जो कंपनी अपने कंपनी देती है रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये साउंड रिकॉर्डर है दोस्तों, ये साउंड रिकॉर्डर है, इससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी ऑडियो को, तो जो कंपनी देती है वो सारे ऐप अलग अलग ऐप होते हैं उन सभी चीज़ों के, लेकिन ये ऐप है जो कि 32 ऐप के फीचर्स को अपने खुद में इसने इंस्टॉल कर रखा है। आप फ्लैश लाइट की बात करें तो हम लोग कुछ मोबाइल में, बहुत सारे मोबाइल में फ्लैश लाइट का ऑप्शन नहीं रहता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करना होता है, हम लोग प्ले स्टोर से किसी फ्लैश लाइट को डाउनलोड करते हैं तब हम लोग फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं अपनी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ही ये फ्लैश लाइट का ऑप्शन है। ये मिरर है, मिरर मतलब कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा के लिए है, और ये मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि मैग्नीफायर वो है जो जैसे कि नॉर्मल फ़ोन में, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है कि 4x जूम होता है, कभी आप उसको जूम करें तो देखिएगा उसमें 4x दिखाएगा। और अगर आप MI यूज़र है तो MI के छोटे फ़ोन में 6x होता है जूम, और एक बड़े फ़ोन में होता है 8x। जैसे मेरा MI Note 3 है तो मेरे फ़ोन में 8x जूम होता है, लेकिन ये मैग्नीफायर आपको इससे जूम दिखाएगा। अब ये कोड स्कैनर की बात करूँ तो ये स्कैनर है जो कि MI और Lenovo देती है, जैसा कि फैज़ान ने आपको बताया स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में कि बहुत सारे मोबाइल में स्कैनर नहीं होते हैं Lenovo और MI को छोड़ के, लेकिन
अब यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको यहाँ से स्कैनर देख सकते हैं, आप यहाँ से स्कैन कर भी सकते हैं। क्लीनर है, बैटरी सेवर है, स्टॉप वॉच भी है, चेकलिस्ट मुझे नहीं पता है कि ये चेकलिस्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एबेकस है, कैलकुलेटर है, करेंसी और यूनिट है, अल्टीमीटर, कॉम्पस, हार्ट आरएम। चलिए दोस्तों, हार्ट आरएम को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे ये यूज़ होता है। आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और आपको क्या करना है, आपकी आपको अपनी फिंगर को कैमरे पे क्लिक रखे रहना है। आप रखे रहेंगे तो आपकी ये हार्ट बीट को चेक करेगा कि कितने हार्ट बीट पर मिनट हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे 79 बम्प्स पर मिनट मेरी हार्ट बीट की हैं। और उसके बाद आप भी ट्राई कीजिए इस ऐप को। उसके बाद आप चले आते हैं लेवलर पे। तो लेवलर, या जी हाँ दोस्तों, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और मैग्नेटिक के बारे में बात करूँ तो मैग्नेटिक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसे ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा इसके लिए। लेकिन जो जिसको पता है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल ऐप है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। फिर आता हूँ मैप पे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि गूगल अपना खुद का एक मैप देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मैप की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप वहाँ से मैप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे मैप के फीचर्स भी अवेलेबल हैं। अब प्रोजेक्टर की बात करूँ तो प्रोजेक्टर के लिए आपको मैथ अगर पढ़ना हो तो यहाँ से आप अपना पूरा प्रोजेक्टर आपकी स्क्रीन पर ही है। फिर बात करूं मैं तो रूलर की, तो यहाँ पे रूलर देख सकते हैं। जैसे कि मेरा मोबाइल 12.4 सेंटीमीटर का है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन 12.4 सेंटीमीटर की है। अब मैं इसे बताऊंगा, अब मैं इसे इंचेस में देखूं तो जी हाँ दोस्तों, ये 5.5 इंच की स्क्रीन है। तो 4.5 इंच की स्क्रीन है और ये जो कह सकते हैं कि ये इसका जो टच है और ये ऊपर स्पीकर मिला के 5.5 बनता है, लेकिन मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो 5 है, 5 इंच है। तो फिर मैं आता हूँ आगे पे, तो ये साउंड मीटर है। ये साउंड मीटर मुझे यूज़ पता नहीं है कैसे यूज़ करना है। ट्यूनर, आप ट्यून बना सकते हैं अपनी खुद की। स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जी हाँ दोस्तों, ये GPS ऑन करके स्पीडोमीटर यूज़ हो सकता है, बिना GPS ऑन किए नहीं, क्योंकि आपकी उस समय स्पीड ये कैच करेगा। अब वाइब्रेटोमीटर है, आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है या तो कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, तो ये इसके लिए वाइब्रेटोमीटर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको ये ऐप पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब के चैनल को, टी एंड्रॉयड को, और अपने दोस्तों में बताएं और अपने फैमिली में शेयर करें हमारी इस वीडियो को, ताकि ये 32 ऐप के फीचर्स आप किसी एक ही ऐप में ले सकें। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ और आप भी चलिए। अभी फैज़ान ने बताया जैसा कि हमने सच बात कही थी। दोस्तों आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियो के। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया हो ऐप, तो भाई यार डाउनलोड करके इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो मेक श्योर आपने बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर चुके होंगे, ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट आसानी से मिलता रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आप प्लीज़ नीचे से डिस्क्रिप्शन में से सारी वीडियो देख लें, काफ़ी पुरानी वीडियोज़ काफ़ी काम की हैं, आप देख सकते हैं, आपके काफ़ी काम आएगी। सो मैं फैजान विद अमन ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आप तक के लिए, आपके लिए तब तक।